सो हे गाइस, दिस इज अनुज अपी। और गाइस, आज की स्टूडियो में हम देखने वाले दो सोलो मिरामार गेम प्लेज। और गाइस, जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी, वहाँ पे कुछ बंदों ने पूछा कि भाई तुमने केडी के बारे में कुछ बताया नहीं, केडी हमें मेंटेन करना चाहिए या नहीं, या फिर कैसे मेंटेन करें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या केडी। देखो गाइस, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो गाइस, तो फिर बस मैच को चिकन निकालने में फोकस करो, किल्स के चक्कर में मत पड़ो। इरेंगल आप खेल रहे होंगे तो, क्योंकि एट दी एंड गाइस कॉन्कर मैटर करेगा, कोई केडी वगैरह कोई देखेगा नहीं। केडी बस ऐसे ऐसे शो ऑफ के लिए रहते हैं, और अभी के टाइम नए केडी सिस्टम के हिसाब से गाइस बहुत कम केडी आपका मेंटेन रहेगा। और आपको अगर केडी मेंटेन करना ही है तो गाइस मिरामार खेलो शुरू के कुछ लीग्स में, वहाँ पे आपका केडी अच्छा मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि गाइस पॉट्स के बहुत ज़्यादा किल्स मिल जाते हैं मिरामार में, और ऊपर से आपको ईजी किल्स भी मिल सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रिजेस होती है, कोई बंदा कैंप नहीं कर सकता, ईजी किल्स मिलते हैं वहाँ पर। तो शुरू में आप मिरामार खेल सकते हो, बाकी इरेंगल में गाइस मुश्किल है केडी मेंटेन करना। अगर आपका स्किल सेट बहुत ही ज़्यादा ओपी, आपके पास डिवाइस पिंग सब कुछ अच्छा है, तो फिर आप किल्स निकाल सकते हो, ठीक है। बट एट द एंड गाइस मैं यही कहूँगा, केडी कोई मैटर नहीं करता, आपका कॉन्कर मैटर करेगा, इसलिए रैंक पुश करो अच्छे से एंड ऑल द बेस्ट सभी को। तो गाइस, ये वाले मैच में मैं उतर रहा था पिकाडो पे, क्योंकि गाइस प्लेन पाथ वहीं से जा रहा था, और लॉस लियोनेस गाइस ऐसी जगह है जहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा कैंपिंग करते हैं, तो वहाँ जाने से अच्छा मैंने सोचा चलो पिकाडो जाते हैं। और यहाँ पे गाइस बंदे ज़्यादा नहीं आए थे, यहाँ पे भी कम ही बंदे आए थे, मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा बंदे मिलेंगे, बट यहाँ पे एक बंदा आ रहा था मेरे साथ एरेना में। तो गाइस इसके साथ फाइट कैसी होती है देखो आप, वो तो ऊपर चढ़ गया था गाइस, अभी मेरे को नीचे की साइड से ही जाना था, नीचे की साइड गन मिल जाती है गाइस, इसलिए मैं नीचे की साइड गया। यहाँ पर वेक्टर और M16 मिल जाती है मुझे, और अच्छी बात यह थी कि मुझे वेक्टर के साथ उसका एक्सटेंडेड मिल गया था, और यहाँ पे मुझे आ रहे थे उसके फुटस्टेप्स। तो गाइस जिस वाले बंदे को इजीली हमने भर दिया, उसके बाद गाइस मैंने पूरा एरेना लूट लिया, और वहाँ से मुझे मिल जाती है स्कारल विथ 4x। और मैं आगे देख ही रहा था कि मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ रेड बिल्डिंग में, जो कि लेफ्ट वाली रेड बिल्डिंग में था, तो मैंने सोचा चलो राइट वाली बिल्डिंग में हम घुस जाते हैं। वहाँ से गाइस एक रास्ता मिलता है जो कि हम लेफ्ट वाली बिल्डिंग में घुस सकते हैं, तो देखो गाइस मैं कैसे जाता हूँ वहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे वो बंदा था सेकंड फ्लोर पे, इसलिए मैंने सीधा वो कमरे में मैं चला गया। उसके बाद वो बंदा गाइस मेरे कमरे में आ जाता है, देखो आप। तो गाइस यहाँ पे बंदा बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफ्यूज लगा, मतलब कि उसके फ्लोर पे ही था मैं, शायद से मैं रेड बिल्डिंग वो बाजू वाली बिल्डिंग से इधर डायरेक्टली आ गया, इसलिए शायद से बंदा कन्फ्यूज था, बट उसको मार दिया। उसके बाद एक बॉट भी मिला। और गाइज अभी जो 5-story बिल्डिंग है गाइज, जो साइड में होती है पिकाडो के, तो उस बिल्डिंग में गाइज एक बंदा था, उस बिल्डिंग में मैं गया, और यहाँ पे बंदा गाइज लिटरली कैम्प कर रहा था, बहुत ही तगड़ा कैम्प कर रहा था गाइज। ये बंदा ये बिल्डिंग छोड़ा ही नहीं इसने शुरू से ही। और गाइज इस बंदे को जैसे मौका मिला, ये बंदा गाइज छत पे चढ़ गया। और गाइज ये छत पे गाइज जाना मतलब कि भाई खुद की पेटी बनवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे गए नहीं, उसको ऑल पे थोड़ा सा मैंने ये किया कि उकसाया उसको, बट वो बंदा नीचे कूदा नहीं, और यहाँ पे मैंने एक टाइम भी वेस्ट नहीं किया, यहाँ से मैं सीधा भाग गया गाइज, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर गाइज फायर लेके या फिर मार के कोई मतलब ही नहीं, वो बंदा ही जीतेगा वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं। इसके बाद मैं जा रहा था कि तभी मेरे ऊपर गाइज एक बंदा फायर करता है। तो गाइस इस वाले बंदे को मारने के लिए मैं आ गया था थोड़ा ऊपर की साइड, और सोचा कि भाई ऊपर से मस्त एंगल मिलेगा और वो बंदा स्पॉट भी होगा ऐसा लगा था, बट वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता है। मैंने काफ़ी देर तक उसे ढूंढा बट वो बंदा दिखाई नहीं दिया। इसी बीच गाइस मैं वापस जा रहा था कि तभी मुझे एक हेड जैसा दिखाई दिया। अब देखो आप क्या होता है यहाँ पर। तो गाइस ये वाला बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, इसको भी हमने इजीली मार दिया। उसके बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ गाड़ी लेके। तो गाइस वो बंदा फिर से मेरे ऊपर शॉट्स लेता है जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, तो इस वाले बंदे को देखना गाइस कि हम कैसे मारते हैं। तो उस बंदे को लगा कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ, बट मैंने तो वहाँ पे गाड़ी रोकी और इसको भी हमने इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस जोन आ गया था और मैं जोन की तरफ निकल पड़ा, और लेफ्ट साइड में गाइस मुझे ओपन में एक बंदा भागते हुए दिखाई दिया, उसको मारने के लिए मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी, और मैंने सोचा कि एक परफेक्ट एंगल निकालता हूँ पहले।
तो गाइस ये मिनी वैन वाले बंदे को मैंने काफ़ी डैमेज दिया था, बट ये वाला बंदा बच गया। उसके बाद मैंने गाड़ी लेके थोड़ा सा आगे चला गया, क्योंकि वो बंदा अभी तक जिंदा था जो मुझे ओपन में स्पॉट हुआ था। उसको मैं देख रहा था इधर उधर कि तभी मुझे एक गाड़ी दिखाई देती है। तो गाइस इस वाले किल पे लाइक तो बनता है गाइस, मतलब कि यहाँ पे मुझे बंदा दिखाई नहीं दिया था। मेरा टारगेट यहाँ पे ये था कि उसकी गाड़ी में ब्लास्ट कर दूँ, बट शॉट्स उसी के ऊपर कनेक्ट हुए और वो बंदा गाइस इजीली मारा गया। और गाइस अगर आपका एम अच्छा हो, आपका स्प्रे जैसा अभी जैसे मैंने मारा ऐसा टाइप का आपका स्प्रे हो, अच्छा स्प्रे हो, तो गाइस मेरा मार खेलो, आपको ईजी किल्स मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया था और यहाँ पे मैंने ड्रॉप वगैरह लूटी। उसके बाद मुझे पीछे की साइड से गाइस गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। तो इस वाले बंदे को देखो गाइस कैसे मारते, वैसे ये बंदा उतना अच्छा नहीं था गाइस। तो गाइस जैसे मैंने इसके ऊपर फायर लिया, ये बंदा गाइस गलत डायरेक्शन में देखने लगा और प्रोन हो गया था, तो इसको हमने इजीली फिनिश किया। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक गाड़ी जा रही थी मेरे सामने से, तो गाइस जैसे ही मैंने इसके ऊपर शॉट्स लिए वो बंदा थोड़ा पैनिक हो गया और उसने वहाँ पे गाड़ी ठोक दी। उसके बाद मैंने सोचा भाई दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि जोन भी आ रहा है पीछे से, तो मैं थोड़ा ऊपर की साइड चला गया और मुझे पता था कि वो अभी जोन के एज पे कहीं पे सर्वाइव कर रहा होगा। तो गाइस ये वाला बंदा भी यहाँ पे फिनिश हो गया था, वैसे इसने फर्स्ट एड वगैरह लगा के एकदम झाड़ियों में बैठ गया था, बट वो मुझे इस साइड से स्पॉट हो गया। उसके बाद गाइस मैं आ गया था इस वाली पोजीशन पे और यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक पोजीशन होल्ड की और मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखाई दिया जैसा लगा था राइट साइड में, बट मैं श्योर नहीं था, बट मेरा ध्यान था गाइस उस तरफ और देखा तो क्या वहाँ पे एक बंदा जोन के लिए नीचे आ रहा था। तो गाइस यहाँ पे मेरे से एक गलती हो जाती है, इस बंदे को मारने के चक्कर में मैं आ जाता हूँ थोड़ा ओपन में, मैंने लेफ्ट साइड में थोड़ा भी देखा नहीं कि हो सकता है कोई बंदा मेरे ऊपर एंगल निकाल सकता है। इसको मारने के चक्कर में गाइस मैं थोड़ा ओपन में हो गया और यहाँ पे देखो गाइस कि होता क्या है। तो गाइस ये वाले बंदे ने अर्ली रोटेशन डाल के एक अच्छी पोजीशन पकड़ ली थी, जिसकी वजह से इसने मेरे को इजीली फिनिश कर दिया। और ये बंदे के गाइस 58 मैचेस हो चुके थे और 6 का केडी था गाइस। बंदे अच्छा खेल रहे गाइस, मुझे थोड़ा अच्छा और अच्छा खेलना चाहिए मुझे, तो आज मैं ट्राई करूंगा, आज अच्छे खेलूंगा। और गाइस इसके बाद मैं बढ़ता हूँ दूसरे वाले गेम प्ले में। तो यहाँ पे मैं उतरा था हसियांदा पे और इस मैच में देखना गाइस कि कितने सारे मुझे बॉट्स के किल्स मिलने वाले हैं। तो गाइस जैसे ही इस बॉट को मैंने मारा उसके बाद वो बंदा मेरे ऊपर पुश कर देता है और इस वाले बंदे को भी हमने इजीली फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे और दो बॉट्स मिल जाते हैं मुझे। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी सैन मार्टिन जाते हैं, सैन मार्टिन में और हमें किल्स मिलेंगे। उसके बाद मैं चला गया सैन मार्टिन और यहाँ पे गए हमेशा मेन बिल्डिंग पे कोई ना कोई बंदा होता है, मतलब होता ही है। तो गाइस ये वाला किल पसंद आया तो गाइस अभी का अभी वीडियो को लाइक कर देना है जिसने भी लाइक नहीं किया हो। और यहाँ पे गाइस ब्रिक हाउस में भी, जो मेरे पीछे ब्रिक हाउस है गाइस, वहाँ पे भी एक बंदा था और जो ऊपर वाले बंदे को जिसको मैंने मारा था उससे मुझे मिल जाती है फ्लेयर गन और वो मैंने यहाँ पे चला दी। उसके बाद जो ब्रिक हाउस वाला बंदा था गाइस उसने मेरे ऊपर पुश कर दिया और इसके साथ देखना गाइस कि हमारी फाइट कैसी होती है। तो गाइस बंदा डायरेक्टली ऊपर नहीं आ रहा था, मैंने भी देखा कि भाई बंदा है कहाँ पे, मैं बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। तो गाइस मैं इस बॉट को मार रहा था कि तभी एक बंदे ने बहुत ही
अच्छा स्प्रे दिया मेरे ऊपर, यहाँ पे मेरी हेल्थ थोड़ी कम हो गई थी, उसके बाद मैंने बैंडेज वगैरह यूज़ किए। इसी बीच वो बंदा थोड़ा ऊपर की साइड आ गया था, नीचे वाला बंदा। तो वैसे ये वाले बंदे के ऊपर मैंने एक अंधा पुश कर दिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे जीत गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉप वगैरह लूट लिया, एक बॉट भी मिल जाता है इसी बीच। और इस बॉट से मुझे मिल गया था 8x, और ड्रॉप से मुझे मिल गई थी MK14। तो वैसे यहाँ पे एक बंदे ने मेरे को पहचान लिया था, और उससे जाके मैंने बात की फिर थोड़ी बहुत। तो गाइस यहाँ पे हमने एक गलत सीन कर दिया, यहाँ पे जिस बंदे ने हमारे ऊपर फायर लिया था उसको समझो हमने एक टीम अप करके मारे जैसा सीन हो गया यहाँ पे। हेलो हेलो भाई, ये डालोगे क्या? पता है अभी तो जस्ट इस होम स्क्रीन पे गया आपके यूट्यूब चैनल पे, और अभी आपने 30 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड करी थी मिरामार वाली, शूट आउट एट लोकंड वाला। भाई वो मेरी भी फेवरेट मूवी है यार। भाई लास्ट मिले या फिर बैन हो जाएगा इसलिए ना। भाई बिग फैन यार, शाउट आउट दे दो एक, देती है पाइथन ओपी भाई, प्लीज यार दे देना वीडियो। तो गाइस बंदा पूछ रहा था एक शाउट आउट के लिए, सो अ बिग शाउट आउट टू पाइथन ओपी। और मुझे लगता है इनका एक यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा शायद से 73 सब्सक्राइबर्स है, आपको देखना होगा तो गाइस आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं जोन के लिए जा ही रहा था कि देखो गाइस यहाँ पे होता क्या है। तो गाइस बंदे के ऊपर मैंने MK14 से बॉडी शॉट स्ट्राइक किए, और आगे वाला बंदा मेरे को स्कारल के बॉडी शॉट्स में फिनिश कर देता है। भाई क्या हो रहा है, पिंग तो दिखाई दे रहा है 40, बट बंदा मरा नहीं। देखो गाइस फिर भी उसकी काफ़ी हेल्थ बची थी, मुझे लगा एक 1 HP बचा होगा, वो एक 10-12% HP पे बचा था, बट कोई नहीं गाइस एक ठीक ठाक गेम प्ले बन गया था। मैं ट्राई करूँगा कल की एक अच्छा गेम प्ले, एक OP गेम प्ले आ जाए। तो गाइस आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस हम 27,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज है, और गाइस इंस्टा भी फॉलो करना, वहाँ पे भी हम गाइस 1500 फॉलोअर्स के, सिर्फ 7 फॉलोअर्स बाकी है गाइस इंस्टाग्राम पे, तो गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Nothing can stop me, I'm all the way up, all the way up, all the way up.